कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई है आपको अपडेट कर रहे हैं कई गाड़ियां शोलों की लपेट में आकर जल चुकी हैं दो अफराद जाँ बहाक हो गए हैं पुलिस की दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई कई गाड़ियां शोलों की लपेट में आकर जल चुकी हैं दो अफराद जा बहाक हो गए हैं जबकि पुलिस की दो गाड़ियां गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई है आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ इत्तेदार अनवर मौजूद हैं लाइन पर हम उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे जी इत्तेदार अनवर अपडेट कीजिएगा इस वक्त मौजूदा सुरख्याल के हवाले से आपका कराची एयरपोर्ट पर आज रात ग्यारह बज के पैंतीस में, पैंतीस मिनट पर एक धमाके की जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई और ये धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि गवर्नर हाउस और अतराफ़ के इलाकों तक में ये आवाज़ सुनाई दी गई जिसके बाद इब्तायी तौर तो पर रेस्क्यू जराये ने इस बात का दावा किया कि किसी ऑयल टेंकर में धमाका हुआ है जिसके नतीजे मतदीद गाड़ियों को आग लगी है लेकिन बाद में वजी दखला सिंह जयालह हसन नंजार ने इस बात की तस्दीक की है कि गैर मुल्कियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया जो कि कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे वो हमारे वो नाजरन जो कि कराची में रहते हैं या हमारे वो नाजर जिन्होंने कराची एयरपोर्ट का भी सफ़र किया है तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि यहाँ पर सिग्नल पर एक घड़ियाल चौक चलाता है जहां पर जो भी मुसलह अफराद आते हैं या, या सिक्योरिटी गार्ड आते हैं या दीगर काम इदारों आ, के लोग आते हैं उन्हें इस मकाम पर रोक दिया जाता है और यहीं पर वो जो है वो अपने जो मेहमान होते हैं या जो उनके डिग्निटीज होते हैं उनका बैठ कर इंतजार करते हैं तो यहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो है वो तीन रक्षी Sì. आ, दो गाड़ियाँ एक बड़ी जीप और एक पुलिस मोबाइल जो जो है वो निशाना बनाया गया जिसमें जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक रेस्क्यू के दो दावे हैं एक रेस्क्यू इदारा ये कहता है कि जनाब दो अफराज़ जहाँ बाग हुए हैं और आठ अफराज़ ज़ख्मी हैं जबकि ईद ही इन्फार्मेशन के मुताबिक एक शख्स जहाँ बाग हुआ है और आठ अफराज़ ज़ख्मी हुए हैं ज़ख्मियों के नाम में आपको मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर फ़कीर बख्श वल्द महम्मद अल्स इनकी उम्र पैंतालीस साल है अज़ीम वल्द मीर मोहम्मद अड़तालीस साल हैं नईम वल्ल्द मीर पचपन साल के हैं वक्ार अहमद चौबीस साल के हैं मोहम्मद उमर तीस साल के हैं जबकि तीन ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी उम्र है पच्चीस साल अट्ठाईस साल और तीस साल हैं इनकी जो है वो अभी तक ताल शनाख नहीं हुई है और और मरने वाले जो अशखास् हैं या इस मामले में जो अफराद शहीद हुए हैं उनकी भी जो है वो अब तक तस्दीक नहीं हो चुकी है तहम वाक़े के फ़ौन बाद रेंजर्स पुलिस और दीगर काउुनाफिस करने वाले इदारों की बड़ी तादाद में नफरी यहाँ अब पहुँची और उसने एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों को सील किया है आई जी आई जी सिंध डी जी रेंजर सूबा वजी दाखिला और दीगर अली हुए हैं वक्त मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि अगर आपको दिखाएं तो स्पॉट पर इस टाइम सिर्फ आपको कानून नाफिस करने वाले इदारे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस बात में भी बिल्कुल तस्दीक है हमारे इस हमारे जरा इस वक्त तस्दीक करते हैं कि कोई भी जो है वो गैर मुल्की इस वाक़े में जाँ बाग नहीं हुआ एक ग़ैर मुल्की के ज़ख्मी होने की वजी दाखिला सिंधल ने तस्दीक की है इसके अलावा जो दो गैर मुल्क की जो वफूद यहां आने थे आ, उन दोनों के बारे में ये बताया जाता है कि मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं एक जो वफ़ है वो तो कराची एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आया था जबकि दूसरा वक्त जो बाहर आने वाला था उसमें भी लोग जो हैं वो महफूज रहे तो एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों ने और जो जो पाकिस्तानी हुकाम हैं उन्होंने अपनी जान तो ज़रूर दी लेकिन ग़ैर मुल्कियों को आ, इस वाक़े में निशाना नहीं बनने दिया गया हमारे वो नाज्रीन जो जो कराची एयरपोर्ट सफ़र करते हैं उन्हें पता है कुछ फ़र्लान के फ़ास पर जो है क्योंकि कराची एयरपोर्ट पर पहले भी हमला हो चुका था तो सिक्योरिटी मैजरमेंट के तहत जो अफराद को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती और एस एफ के जो सिक्योरिटी उकमे हैं खाली वही अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं तो आज भी एन उस जगह पर कि जहाँ पर सिक्योरिटी कौन वा इंतजार करते हैं वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी अपनी ड्यूटी देते हैं तो वहां पर जो है एक बुजदलाना कार्रवाई जो है वह की गई और एक बम धमाका किया गया जिसके अंदर जो है वो अभी तक इतलात के मुताबिक दो अफराद जहाँ बाग और आठ अफराद के ज़मी होने की इतलात हैं अलाम यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो है इस इस वाक्य के मुख्य पहलुओं पर गौर गो, किया जा रहा है मुख्तलिफ जो है वो बुजदान लोग हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं लेकिन फिलहाल सरकारी राए के मुताबिक इस, इस, इस धमाके की अभी तक कोई जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की गई और ना ही बताया गया कि ऐसा क्या है लेकिन फिलहाल जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतक कर दिया गया है जाए वकूआ को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर बम डिस्पोजल स्कॉड मौजूद है जो कि मुख्तलि पहलुओं से मुख्तलिफ जो अशियाँ मिली हैं उनको तजिए के लिए जो है वो क्राइम सीन से जो है वो उठा रहा है जिनमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह या जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें होती हैं उनको जो है वो जमा किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर अब जो एयरपोर्ट आने वाला रास्ता है खासतौर पर डिगरोड से जो हमारे नाज्रीन शराब फैसल की जाने पर सफर करते हैं तो उनमें मैं, मैं बताऊँ कि दो मकाम से इस सड़क को बंद कर दिया गया है अगर वो फिर भी कराची एयरपोर्ट आना चाहते हैं किसी की अगर फ्लाइट है तो मेन यूनिवर्सिटी रोड बजरिया सफूरा चरंगी जो है वो कराची एयरपोर्ट पहुंच सकता है सिविल एविएशन हुकाम ने यह बताया है कि एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी है वहाँ पर जो फ्लाइटें आनी थी वो अपनी मामूल पर आएंगी जो जानी थी उन्हें इसलिए तखिर शायद करवाई जाए कि जो लोग एयरपोर्ट ना पहुँच पाए तो उनके लिए एक घंटे या दो घंटे का मार्जन जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा तमाम सिविल एविएशन ने भी इस वक्त की तस्दीक की है कि एयरपोर्ट के अंदर किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ ना ही किसी किस्म की कोई कैजटी जो है रिपोर्ट हुई है एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट यानी कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी है यहाँ पर क्राइम सीन से जो है वो मुख्त शवाद इकट्ठे करने का सिलसिला भी हुकाम की जानब से शुरू कर दिया गया है और अन करीब जो है वो शायद इस इलाके को खोला जाए लेकिन जो क्राइम सीन का रोड है शायद उसे बंद रखा जाए क्राइम सीन का रोड अभी फ़िलहाल बंद रहेगा जो नाजरी ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको अपडेट कर दें कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई थी कई गाड़ियाँ उस के शोलों की लपेट में आकर जल चुकी है दो अफराद की हलाकत की खबर आई है दो अफ़राद अब तक जाब हो चुके हैं पुलिस की दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है अपडेट कर रहे हैं हमारे इस वक्त कराची से ब्यूरो चीफ इकतदार अनवर मौजूद हैं जी अकतदार जिन नाजरन ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अगर वो आपने साथ ही साथ अभी ऑल्टरनेट रास्तों का भी बताया कि जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है आवाम की जानब से इस वक्त जो नाजन हमें देख रहे हैं क्या उनको हम और क्या, क्या तफसीलत फराम कर सकते हैं थोड़ा इसके हवाले से भी ब्रीफ़ कीजिएगा आ देखें वो नाजरीन जो हमारे कराची एयरपोर्ट की जाने सफर करना चाहते हैं तो उनके सबसे पहले इतला ये है कि कराची एयरपोर्ट पर शराय फैसल के रास्ते पर स्टार गेट से जब रोड अंदर के जाने बताया है तो वहाँ एन सिग्नल के ऊपर एक बुजलाना मुल्क दुश्मनों ने एक बुजलाना कार्रवाई की और एक धमाका किया है जिसके अंदर दो अफराज़ जहाँ बाग और आठ अफराज़ जख्मी हुए हैं लेकिन फिर भी अगर किसी की फ़्लाइट है और वो यहाँ पर आना चाहता है तो उसे मेन यूनिवर्सिटी रोड सफ़ूर और चौरंगी से इस्तेमाल करना होगा और वह फिर वो कराची एयरपोर्ट के सिग्नल पर जो है वो पहुंच पाएगा इस सिग्नल से कुछ पहले जो पार्किंग का गेट है वहाँ से अब लोगों को इंट्री और एग्जिट जो है दी जा रही है इसके अलावा हमें अभी बताया गया है कि गवर्नर सिंध कमान खान टिशोरी रात डेढ़ बजे जिना अस्पताल का विजिट करेंगे और वहाँ पर दाखिल छः जख्मियों की आदत करेंगे दो जहाँ बाग अफ़राद की डेड बॉडियाँ अब वहाँ पहुँचा दी गई हैं दोनों निजी रेस्क्यू जरायके के साथ ही पहुँचाई गई थी और इन दोनों की शनाब्त जो है वो अब तक नहीं हुई जा जो लोग ज़म्मी हुए उनमें तमाम के तमाम जो हैं वो मर्द हैं कोई भी बच्चा या बड़ा जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है ना ही कोई ख़ातून शामिल है आज रात ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट पर कराची एयरपोर्ट पे, अगर हम कहें घड़ियाल चौक जो उससे सिर्फ चंद फर्लान के फासले पर है वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी और जो सरकारी सिक्योरिटी को है वो रुक के अपने मेहमानों का अपनी डिग्निटीज़ का जो है वो इंतज़ार करते हैं और इस इंतज़ार के का जो पॉइंट है उसे मुल्क दुश्मन अनासर ने इस्तेमाल किया और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो धमाका किया जिसमें दो अफराद हलाक और आठ जख्मी हुए ज़ख्मी होने वालों में रेंजर्स एहलकार और पुलिस एहलकार भी जो है वो शामिल हैं तमाम के तमाम लोगों को तबी इमदाद दी गई है और हाँ कुछ और ज़ख्मी ऐसे भी थे जो छोटे मोटे ज़ख्मी हुए थे वो निजी अस्पताल जो के करीब हैं वहाँ जाके उनका जो है वो तबी मुआना किया गया और उन्हें फिर छुट्टी दे दी गई तीन रक्षे दो गाड़ियाँ दो जीपें जो है बड़ी जिसको हम लैंड क्रूजर जीप कहते हैं वो इस वाक़े में जो है मजमू तौर पर तबाह हुई हैं जाए वकूक को इस मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर कर बम डिस्पोजल स्कॉड और क्राइम सीन यूनिट जो है वो अपने लिए मालूम जमा कर रहा है धमाके की नौयत धमाके की हसासीत धमाके में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो सब किया जा रहा है ताके इसके जो जो ताने बाने हैं वो पिछले और मिलाकर एक मुफसिल रिपोर्ट कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब और में धमाके के बाद आग लग गई कई गाड़ियां शोलों की लपेट में आकर जल गई अपडेट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इकतेदार अनवर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका